समारोह में सभी लोग अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए यहाँ पर आए, अपना अपना आशीर्वचन देने के लिए बहन हेमलता दिवाकर पुष्पा जी माननीय महापौर जी को अपना आशीर्वाद देने, हमारे 100 सम्मानित की गरिमा के अनुरूप एक हॉल की व्यवस्था के अंतर्गत आप लोगों को अपने परिचय देना है। तो मैंने स्वागत श्री दिगंबर सिंह ठाकरे जी का, स्वागत व्यापारी नेता श्रीमान टी एन अग्रवाल साहब का, स्वागत श्री हेमंत गोजवानी, सांस्कृतिक विरासत समेटे बैठे हैं वही हमारी ऐतिहासिक नगरी आगरा, जहाँ इसके चारों कोनों पे चार महादेव हैं, तो मध्य में मंटामेश्वर जैसे महादेव जहाँ मनोकामनाएं पूरी होती है। सांस्कृतिक विरासत का ये शहर श्रीमान विनोद कुमार गुप्ता जी से और उनकी टीम से कि हमारे मंचासीन सभी हमारे अति विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें, उन्हें बुके प्रदान करने की कृपा करें, कि हमारी बहनें जो खड़ी हैं उन्हें बैठने का स्थान प्रदान करें। स्वागत किया गया। इस स्वागत के क्रम में आदरणीय विजय श्री भैरव जी को बुके प्रदान करते हुए स्वागत के इस क्रम में श्री राम करें पालन करेंगे। बस कुछ ही क्षणों में हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारे मध्य होंगे और आज दिन है महिला का सम्मान हमारी संस्कृति में हमारे संस्कारों में है, तो हमारी बहनों को कृपया स्थान दें। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रमोद गुप्ता जी और पूर्व मंत्री श्रीमान उदयभान सिंह जी से उनका मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बैठा दो ना थोड़ी बैठिया हमने थोड़ी देर में भैया पीछे करना है कौन अब हमारे
अरे पीछे कर लो फोन को यार। विभिन्न पार्टियों से हो सकते हैं, विभिन्न दलों से हो सकते हैं, परंतु सबकी शपथ एक ही कि हमारे शहर जाने के बाद जी श्री गजेंद्र सिंह जी, श्री विजय सिंह जी, श्री मंगल सिंह जी और श्री रवि जी, ये सभी बीच पार्षद आ जाए। मैं हमारे नगर निगम के जो हमारे साथीगण हैं अतिशीघ्र उनको अंग जल्दी से हमारे बीच माननीय पार्षद
साथियों आ गए, श्री अमित जी, श्री सज्जन अली जी, श्रीमती मंजू जी, श्री हरिओम गोयल जी, श्री हेमंत कुमार प्रजापति जी, श्री ऋषभ गुप्ता जी, श्रीमती कंचन बंसल जी, श्री वेद प्रकाश जी, श्री आशीष कुमार सिंह जी, श्रीमती प्रवीणा राजावत जी, श्री मुरारी लाल अग्रवाल जी, श्री अनुज कुमार शर्मा जी, श्री अनुज गुप्ता जी, श्री प्रदीप अग्रवाल जी, श्री शरद चौहान जी, श्रीमती आरती शर्मा मैं माननीय महापौर जी से निवेदन करूंगा, उन्होंने अपने पद की शपथ ली, हमारे माननीय महापौर जी ने शपथ ली। निवेदन कर रहा हूं हमारे बहुत ही लोकप्रिय माननीय मंत्री श्रीमान एके शर्मा जी, जो कि आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि भी हैं, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्रीमान माननीय मंत्री जी बोलेंगे, उनका बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया ऊपर बैठ जाइए सभी, एक बार बैठ जाइए सभी। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री श्रीमान आपके चहेते विधायक श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय जी, हमारे साथ हैं एकबारपुर से विधायक श्रीमान हमारे साथ पिछले 5 बार से आगरा की जनता हमें अब घर घर गंगा जल पहुँचे आगरा के लगभग हमारे साथ हैं जी। अब एक हमारे साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया जो छापनी का इलाका गंगा जल मैं पूरी निष्ठा के साथ उसका पालन भी करूंगा।
और बहुत सारे कार्य बाकी देखिए जनता अभी हमारे पुराने प्रोजेक्ट में बाकी है। सातवीं बार भारतीय जनता पार्टी को महापौर दिया है और मैं देखती हूँ और नगर निगम जिस समय इलेक्शन में मैं गलियों में जा रही थी इससे पहले आज जब से हमारी सरकार आई है हम लोगों ने काम किया उसी का और बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे बाकी हैं और शहर की जनता को पानी की समस्या का निदान हुआ बिजली की समस्या का निदान हुआ जनता जनार्दन को और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है साथ ही विश्वास भी दिलाती हूँ कि आपने प्यार और जो आशीर्वाद मुझे दिया है जीवन संपर्क मैं हमेशा उस पर खड़े करने की पूरा प्रयास करूँगा और यही काम अंजाम देने आज से चार बार ये करते हैं।